हमारे श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी आज नाथ द्वार में विराजते हैं उदयपुर के पास। दो कारण हैं, पहली तो भक्तिमती मीराबाई और दूसरी अजब कुमारी। अजब कुमारी का चरित्र भी बहुत सुंदर है। अजब कुमारी एक राजवंशीय नारी थी, कन्या थी। ब्रज यात्रा पर जब गई तो ब्रज में भ्रमण करते हुए जब उन्होंने श्री गोवर्धन में गिरिराज जी का दर्शन किया, श्रीनाथ जी का दर्शन किया, गिरधर लाल का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद जब वापस लौट करके अपने स्थान पर गई तो ज्यों ज्यों अपने स्थान के समीप पहुंचे, ठाकुर जी से दूर जाए, त्यों त्यों उनकी विरह वेदना बढ़े और उनकी विरह वेदना एक ज्वर के रूप में चढ़ती थी। वैद्य आते, बड़े बड़े हकीम आते, लेकिन कोई भी अपनी औषधि से उनके ज्वर को ठीक ना कर पाता। एक दिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों से कहा, यह ज्वर औषधियों से ठीक नहीं होगा, ये ज्वर इन सब वैद्यों के, हकीम के क्रियाओं से ठीक नहीं होगा। बोले कैसे ठीक होगा? बोले जब तक मेरे गिरधर लाल मेरे सामने नहीं आएंगे, जब तक मुझे वो दिखेंगे नहीं, तब तक ये ज्वर ठीक नहीं होगा। उनके पिता आदि जो राजवंशी थे सबने कहा, देखो हम तुमको दर्शन करने भेज देंगे लेकिन सदा के लिए तुम ब्रज में रहो, ये आज्ञा तो हम नहीं देंगे, कुछ दिन के दर्शन के लिए तुम चली जाओ। और अजब कुमारी गोवर्धन पधारी और गोवर्धन आकर के वहां ठाकुर जी का दर्शन करती, आठों याम दर्शन करती, आठों बार दर्शन करती ठाकुर जी की, सुबह मंगला से रात्रि शयन तक। और जब दर्शन करने लगी तो ठीक होने लगी। एक दिन उन्होंने सब मंदिर के अधिकारियों से जाके कहा, मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो, आप सब सेवा करते हैं, कोई रसोई घर की, कोई कहीं की, कोई मुझे भी कोई सेवा दो। तो मंदिर के अधिकारी जी ने कहा, देखो भाई सेवा में तो केवल पुरुष आते हैं, तुम देखती हो आरती भी पुरुष ही करते हैं, श्रृंगार भी पुरुष ही करते हैं, रसोई भी पुरुष ही बनाते हैं, सब पुरुष ही करते हैं, अब तुमको हम क्या सेवा दें, तुम अपने मन से तुम्हारे भाव में कोई सेवा हो तो ठाकुर जी के दर्शनार्थी जहां खड़े होते हैं वहीं बैठ के तुम कोई सेवा कर दिया करो, गाने की, नाचने की, बजाने की, कोई भी जो तुमको भाए। तो अजब कुमारी जो थी वो ठाकुर जी के सामने खड़ी रहती, बोली क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। तब उसने, उसके मन में क्या आया कि मैं एक राजकन्या हूं और राजाओं में चौसर बहुत बढ़िया खेला जाता है, उसको चौसर खेलना आता था, चौपड़। और वो क्या करती, ठाकुर जी के आगे दर्शनार्थियों में बैठ करके चौपड़ लगा देती और चौसर सजा करके एक बार तो स्वयं चलती और फिर ठाकुर जी की बारी भी स्वयं चलती। ये मेरी बारी है, ये ठाकुर जी की बारी है। वो इतनी योग्य थी खेलने में कि वो जीतती ही थी, उसकी जीत निश्चित होती थी। लेकिन जैसे ही उसकी जीत होने वाली होती थी वो ऐसी चाल चलती कि स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देती। और जैसे ही ठाकुर जी को जिताती, ठाकुर जी को जैसे ही सामने देखती, सामने बैठे गिरधर लाल की दतुइयां दिखने लग जाती, प्रसन्न हो जाते ठाकुर जी, इतने खुश हो जाते। और वो ये दृश्य देख के कि लाल जी के दांत दिख रहे हैं, दंतावली दिख रही है, खूब रोती। और रोज का उसका यही नियम कि अलग अलग ढंग से ठाकुर जी के संग चौसर खेलती और चौसर खेलते खेलते जैसे ही जीतने वाली होती, जब जीतने वाली होती थी तब बीच में ठाकुर जी को जब देखती तो श्रीनाथ जी के पसीने आ जाते थे, बोले अब मैं हार जाऊंगो, अब मेरी हार एवे वाली है, ये तो जीत रही है। और जैसे ही हारने वाले होते थे ठाकुर जी, सोई नीची नजर करके ऐसी चाल चलती कि स्वयं हार जाती, उनको जिता देती। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। ये दृश्य कुछ और भी वैष्णवों ने देखा कि अजब कुमारी जब ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती है, ठाकुर जी की दंतावली का दर्शन होता है। एक दो तीन चार पांच दिन हो गए, अब अजब कुमारी के घर के लोग कहने लगे, वापस चलो, वापस चलो।
अजब कुमारी बोली, एक खेल और खेल ले तो। आज पुनः खेल खेला, इतना टक्कर का खेल हुआ कि महाराज कौन जीते कौन जीते। जैसे ही अजब कुमारी ने चाल चली तो अजब कुमारी की अगली चाल पर जीत घोषित होनी थी, और जीत होते 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 जैसे ही उसने चाल चली ठाकुर जी को जिताने की, ठाकुर जी को जैसे जिताया, आज ठाकुर जी फूले नहीं समाए, क्योंकि आज तो जीतने के कोई 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 भाव ही नहीं था। आज तो ठाकुर जी को पक्का था मैं हार जाऊंगा, लेकिन आज फिर अजब कुमारी ने जैसे जिताया तो आज ठाकुर जी हंसे नहीं, अजब कुमारी के सामने प्रकट ही हो गए, और प्रकट हो गए, अजब कुमारी को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके ठाकुर जी लिपट गए अजब कुमारी से, और लिपट करके बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम आकर के मेरे साथ खेलती हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अजब कुमारी ने कहा, जो मांगूंगी सो दोगे, वो तुम मांगने में देरी करोगी, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। बस यही भाव जान करके अपने हाथ में ठाकुर जी का हाथ लिया और कहा, वचन दीजिए कि आप मेवाड़ में विराजेंगे ताकि मैं रोज आपका दर्शन कर सकूं, मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। अपने अत्यंत प्रिय ब्रज को, जिसको ठाकुर जी एक पल भी बिसारते नहीं है, जिसको एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी छोड़ते नहीं है। हमारे ब्रज में कहते हैं, ठाकुर जी जब मथुरा चले गए तो उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा, इतना प्रेम ठाकुर जी ब्रज से करते हैं। जिस ब्रज से इतना स्नेह ठाकुर जी करते हैं, जिस ब्रज में रहना ही ठाकुर जी को, आप सब जानते होंगे हमारे गोवर्धन की शिला को गिरिराज जी से बाहर ले जाना मना है, हमारे गिरिराज जी को कहीं भी बाहर पधराना मना है। क्यों? ब्रज छोड़कर के ठाकुर जी कभी नहीं जाते। लेकिन अजब कुमारी को दिए वचन को पूर्ण करने के लिए मुगलों को ठाकुर जी ने बहाना बनाया, और उसी दिन से लग गए ठाकुर जी निकलने में, और आज भी मेवाड़ की भूमि पर श्रीनाथ जी विराज रहे हैं अजब कुमारी के लिए। कारण दो ही हैं, तीर्थ को तीर्थ भगवान की उपस्थिति नहीं बनाती, तीर्थ को तीर्थ भक्त का भजन बनाता है।